हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने सब ग्रुप पे टेस्ट किए, जनरल टेस्ट भी था, और जो सबसेट ले रहे हैं जो ग्रुप का, अगर वो फाइनाइट सबसेट हो तो उस केस में केवल क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए तो वो सबसेट जो है उस ग्रुप का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। ऑफकोर्स वो सबसेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट थ्योरम में हमने लिखा भी था, मैं एक बार स्टेटमेंट भी दिखा दूं, इस पे मैंने एग्जांपल भी किया था। अब आपके एग्जाम्स भी धीरे धीरे करीब आ रहे हैं तो एलजेब्रा आप थोड़ा सा जल्दी, कम से कम ये पेपर एलजेब्रा जो पोर्शन है उसको खत्म करने का कोशिश करेंगे एनईपी के थ्रू। तो अब थोड़ा सा वीडियोस में गैपिंग हो जा रहा था, 5 डेज 4 डेज का, दो वीडियोस के बीच में। मैं कोशिश करूंगा कि अब अल्टरनेट डेज पे, मतलब एक दिन के गैप पे मैं एक वीडियोस कंटिन्यू, या उस ऐसा भी हो जाए कि लगातार हो जाए। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। इन्वॉल्वमेंट मतलब मैं कहीं अगर कोई होमवर्क छोड़ता हूँ तो आप रिस्पॉन्ड करें कि हाँ सर, इसका एक क्वेश्चन का जो आपने होमवर्क दिया था उसका आंसर ये होगा। आप रिस्पॉन्ड करें, आप कोशिश किए कि नहीं किए। जैसे ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था, अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं, मतलब मैक्सिमम लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आया। आप रिस्पॉन्ड करें ताकि मुझे भी लगे कि पैरेलली आप बेनिफिटेड हो रहे हैं, आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं। दूसरी चीज़ की वीडियोज जब अच्छी लगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिसिएट करते चले। ये मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि ये चीज़ें कम से कम करते रहें। एनीवेज, तो अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली वीडियोस को करें, ठीक है। पैरेलली मेरे दो चैनल्स अभी अप टू 12 लेवल का भी मैंने चैनल बनाया अभी रिसेंटली, वहाँ पर भी वीडियोज़ अपलोड करना, यहाँ पर भी क्वालिटी वीडियोज़। मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स, और इसके लिए जो मोटिवेशन है आपके एप्रिसिएशन से मिलता है, आपके इन्वॉल्वमेंट से मिलता है। एनीवेज, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। होमवर्क मैंने दिया था, आई डोंट नो आपने सॉल्व किया कि नहीं। जो लोग देख रहे हैं, मैं कम से कम जो कॉन्टिन्यूसली विजिट कर रहे हैं आप, अगर जो भी वीडियोज अपलोड हो रही हैं, जितने लोग हैं आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। न मतलब आपका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं आता तो थोड़ा सा ये डाउट रहता है मन में कि आप देख भी रहे हैं या नहीं। सीखना है तो आपको करना पड़ेगा साथ साथ। एनीवेज, सो यहाँ पे मैंने दो एक ग्रुप लिया था Z6, मैंने ये सेट भी दे दिया था। Z6 में ये मेंबर्स होते हैं, मैंने आपको बोला था हम लोग जब सेट किए थे तो ये बार लगा देते रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 6 के लिए। लेकिन मैं बोला ना कि जब स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़े, गैलियन की पढ़े, आप जैन नागपाल भट्टाचार्य की बुक पढ़े, या फिर जो है आप जॉन बी फ्रेले, मेरी फेवरेट बुक, तो उनमें ये बार नहीं लगाते, बार हटा देते हैं। वो अंडरस्टूड है कि ऑब्वियस सी बात है, जब मैं ये सेट लिख रहा हूँ तो ये जो है रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 6 जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एज अ एलिमेंट इस सेट के लेते हैं हम। चलिए, तो मैंने होमवर्क दिया था, सिंपली इस पे फोकस करना है कि जिसको मुझे सब ग्रुप प्रूव करना है ये फाइनाइट है क्या। बिल्कुल फाइनाइट है, तो बस आपको दिखा क्या देना है ना कि क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स जब आप इसको सब ग्रुप प्रूव करेंगे ना H1 को, तो बाइनरी ऑपरेशन वही होगा जो एक्चुअल ग्रुप में है, मतलब मॉडुलो 6 कैलकुलेशन यहां पे करेंगे आप। तो मॉडुलो 6 कैलकुलेशन के रिस्पेक्ट में केली टेबल आप बनाइए, इसको क्या बोलते हैं, जिसको आप बाइनरी टेबल भी बोलते हैं। बेसिकली इसका फेमस नाम है जो मैथमेटिशियन थे केलीज ना, केली ने इसको पहली बार दिया था, तो केली टेबल इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बुक्स में आप पढ़ेंगे तो। एनीवेज, तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 6 होगा। जो एलिमेंट्स हैं जरा इनको आप लिख लीजिए 0 1 5, यहाँ पे भी 0 1 5, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जरा हम आते हैं और देखते हैं कि क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो अगर होल्ड करेगी तो सीधी सी बात है, आप 0 को 0 में ऐड करेंगे, मॉडुलो 6 कैलकुलेशन है। कैसे कैलकुलेट करते हैं मॉडुलो, ये मैंने आपको जो स्टार्टिंग वीडियोज है जहां पे मैं ये बाइनरी ऑपरेशन और ये सेट में डिस्कस कर रहा था, वो वीडियोज आप जाके देखें। और अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो सिंपल मैं बताता हूं। इन दो नंबर्स जो भी है इनको ऐड करेंगे एज सिंपली इंटीजर, जो रिजल्ट आए
उसको इस 6 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आता है वही रिजल्ट आता है। तो 0 प्लस 0 करेंगे तो आपको 0 है। अब ऑब्वियस सी बात है, 0 जब 6 से छोटा है तो 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। 0 प्लस 1 करेंगे अगेन 1, 0 प्लस 5 करेंगे 5 आएगा, 6 से छोटा है तो रिमाइंडर 5 को अगर 6 से डिवाइड करूंगा तो देखिए अगेन रिमाइंडर जो है ना आपका क्या आएगा 5 ही आएगा। याद रखिए यहां पे फ्रैक्शन वाला डिवीजन नहीं है ना, तो इस तरह से आप कुछ समझे बातों को कि अगर 6 से छोटा है 5 तो रिमाइंडर वही आएगा 5। 1 को 0 में ऐड करेंगे अगेन 1, 1 को 1 में ऐड करेंगे 2, 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 ही रहेगा। हाँ यहां पे ठीक है, 1 प्लस 5 किया आपने तो मेरा क्या आएगा 6, और मॉडुलो 4 कैलकुलेशन होता है मतलब 6 बार, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे आप, ठीक है ना, तो रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा 0, तो ये मेरा हो गया 0। ठीक, अब चलिए 5 को 0 से ऐड करेंगे तो मेरा आएगा 5। हालांकि यही पे आंसर हो गया कि ये सब ग्रुप नहीं फॉर्म करेगा, लेकिन फिर भी मैं आगे आपको बताता हूं क्यों नहीं फॉर्म करेगा। देखिए यहां पे फोकस करिएगा, 1 प्लस 1 2 आया ना, तो अगर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी मतलब 2 जो है इस H1 का मेंबर होना चाहिए, लेकिन ये H1 का मेंबर नहीं है मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, तो ये सब ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। थ्योरम पे फोकस करिए, इफ एंड ओनली इफ था, फाइनाइट सबसेट लेता हूं तो वो सब ग्रुप फॉर्म करेगा। इफ एंड ओनली इफ कोई भी दो एलिमेंट लें जो बाइनरी ऑपरेशन है ऑपरेट करेंगे तो एच का ही मेंबर आना चाहिए, और अगर ऐसा होता है कि दो एलिमेंट्स का पेयर मिले इस एच का सच दैट अगर ये एच का मेंबर ना हो तो इफ एंड ओनली इफ है ना, मतलब ये सब ग्रुप नहीं होगा। तो ये सब ग्रुप नहीं होगा, यही पे दिख गया, बट आगे भी मैं कैलकुलेट कर देता हूं। 5 प्लस 1 6 होगा, डिवाइड करेंगे 6 से रिमाइंडर 0, 5 प्लस 5 10 होता है, 6 से डिवाइड करेंगे 4 आता है, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां पे भी देखिए 4 जो है अगेन एच का मेंबर नहीं है ना, तो दो एलिमेंट्स मिल जा रहे हैं। तो यहां पे आप सीधे सीधे लिखेंगे सिंस, मैं यही लिख देता हूं, 1 प्लस 1 पहले तो ऐसे लिखिए, सिंस 1 बिलोंग्स टू एच, ठीक है ना, एंड इसी 1 को मैं 1 में ऐड करूं, ठीक है ना, तो ये मेरा 2 आता है जो कि एच का मेंबर नहीं है, एच नहीं H1 है जिसको सब ग्रुप आप प्रूव कर रहे हैं। फिर से यहां पे करेक्ट कर लीजिएगा, ये H1 होगा, ठीक है, तो ये मेरा H1 का मेंबर नहीं आया था, ठीक है ना। सो दिस विल इंप्लाई H1 इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ जो मेरा ग्रुप है Z6 प्लस ना मॉडुलो 6 कैलकुलेशन होता है, तो ये मॉडुलो 6 है, ठीक, तो ये सब ग्रुप नहीं फॉर्म किया। तो यहाँ पे पहला आंसर जो आपका आना चाहिए कमेंट सेक्शन में, ये आप लिखते, इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये होता है कि आप लिखते कि सर जो आपने होमवर्क दिया था H1 जो है सब ग्रुप नहीं होगा, तो फिर ये लगता है कि आप सीख रहे हैं, अदरवाइज आप कोई कमेंट नहीं करेंगे ना कोई अप्रिसिएशन, तो थोड़ी सी दिमाग में ये संशय बना रहता है कि आप सीख भी रहे हैं या नहीं, मेरा एफोर्ट आपके पास पहुंच पा रहा है या नहीं। चलिए अब S2 के लिए आते हैं, S2 में 024 था, इसको जरा चेक करते हैं क्या ये सब ग्रुप होता है, और मेरे ख्याल से ये सब ग्रुप होना चाहिए, फिर भी चेक करते हैं फॉर S2। एग्जाम में आए तो आप ऐसे ही करते हैं, तो फॉर S2 केली टेबल क्या होगा, एडिशन मॉडुलो 6 कैलकुलेशन है, 0 2 एंड 4, 0 2 एंड 4। सो नाउ परफॉर्म करिए केली टेबल, देखिए क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन लगा के देखिए। तो यहां पे 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, 0 होगा, ये H2 का मेंबर है, 0 प्लस 2 अगेन 2, 0 प्लस 4 4 होगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है 4 ही आएगा, 2 को 0 के साथ ऐड करेंगे 2, 2 प्लस 2 4, ठीक है। अब यहां पे देखिए 2 प्लस 4 करेंगे तो ये मेरा 6 बार आता है और रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा 0, 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 2 अभी आपने किया 0, 4 प्लस 4 प्लीज चेक करिएगा 8 आता है, और मॉडुलो 6, 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2, तो रिजल्ट क्या आएगा 2। अब आप देख रहे हैं ये सब के सब जो है ना, जो बाइनरी टेबल में बना रहा हूं ये रिजल्ट्स हैं, कोई भी दो एलिमेंट्स मैं ले रहा हूं ऐड कर रहा हूं मॉडुलो 6, तो अगेन ये सब के सब H2 के मेंबर हैं। H2 में क्या था, देखिए यहां कर्सर पे ध्यान दीजिए, 0 2 4,
तो ये S2 के मेंबर्स हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, सिंस फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू S2, ठीक है ना, S2 ए प्लस बी, और यहां पे मॉडुलो 6 लगा दीजिए, बिलोंग्स टू S2, सो दिस विल इंप्लाई S2 ना। आप चाहें तो यहां पे ये लिख सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन, नहीं भी लिखेंगे चलता है, S2 भी लिखेंगे तो चलेगा, इज अ सब ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ Z6 ना, मॉडुलो 6, ये सब ग्रुप हो गया। ठीक, फर्दर फर्दर यहां पे कॉन्सेप्ट मैं कर देता हूं, यही से वेरीफाई करिए, अगर ये सब ग्रुप है तो क्या ये प्रॉपर सब ग्रुप है या इम्प्रॉपर है, तो याद करिए जो ग्रुप लेता हूं वही उसका केवल सब ग्रुप होता है जो कि इम्प्रॉपर है, इसके अलावा जितने होंगे प्रॉपर होंगे, तो ये S2 मेरा क्या हो गया, प्रॉपर सब ग्रुप, और प्रॉपर सब ग्रुप का नोटेशन क्या था याद करिए, या तो ये लिखते हैं या फिर आप ये भी नोटेशन यूज करते हैं, जो भी बुक आप पढ़ेंगे अगर ऐसा लिखा है मतलब ये दोनों नोटेशन प्रॉपर सब ग्रुप का होता है। तो मोर ओवर ये जो सब ग्रुप S2 मैंने लिया, दिस इज द प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ Z6 दिस ग्रुप। सो ये होमवर्क मैंने दिया था, होपफुली मेरा जो एफोर्ड है इस वीडियो का आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा, अगर पहुंच पाया है मेरे पास जरूर मैसेज पहुंचाइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू जरूर अप्रिसिएट करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप मेरा सहयोग करें। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को अगर 12 लेवल की मैथमेटिक्स में अभी भी इशूज हैं तो मेरा जो चैनल है रिविया क्लासेज, मैं बार बार बोल रहा हूँ रिविया क्लासेस, इस पे आप जाएं, इस चैनल पे अप टू 12 लेवल आप जितने भी जो भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, जो भी वीडियो जो अपलोडेड है, मैक्सिमम चैप्टर्स का मैं अपलोड कर चुका हूं, खास करके 12 का, तो वहां पे आप जाके देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और चैनल को यहां पे भी सब्सक्राइब करिएगा, अप्रिसिएशन आपका हमेशा जरूरत है, मैं बार बार बोल रहा हूं मेरा मोटिव जो है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोज पहुंचाना, एटलीस्ट जो यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री वीडियोज है तो उनको मास में लोगों के पास पहुंचाना, इसमें आप सहयोग करें। तो यहां पे भी आप इस चैनल को जाके देख सकते हैं, मेरा नया चैनल है अप टू 12 लेवल, क्वालिटी वीडियोस मिलेंगे रिविया क्लासेस पे, वहां पे देखें, वीडियोस अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब एनीवेज, अब मैं सीधे आता हूं, जो थ्योरम है मैंने आपको बोला था कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसका प्रूफ आपके एग्जाम में पूछते हैं, तो इस थ्योरम के प्रूफ पे मैं आऊंगा, और यहां पे मैं सीधे हेडिंग लिख देता हूं जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, प्रूफ प्रूफ, ठीक है ना, ऑफ थ्योरम टू, मैं यहीं पे लिख देता हूं थ्योरम टू, स्टेटमेंट बिल्कुल आप देखे हैं, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं कि कोई भी ग्रुप लीजिए, कोई भी ग्रुप लीजिए, उसका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट वो सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ, क्या है इफ एंड ओनली इफ, कोई भी दो एलिमेंट लीजिए ए बी, तो ए ओ बी इनवर्स, मतलब ए बी इनवर्स जो है एच का मेंबर होना चाहिए। तो जब प्रूफ करते हैं तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है, देखिए ये नोटेशन हायर मैथ्स में आ गए तो पता होगा, पहले मैं ले लूंगा कि सब ग्रुप है ये दिखा दूंगा, फिर ये होल्ड करेगा तो उल्टा दिखा दूंगा कि ये सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप होगा और ये दिखाना बहुत आसान है, उल्टा थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा कि अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो ये सब ग्रुप होगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर कोई बुक होगी, जिस बुक जो भी बुक है आपके पास, उस बुक को आप देख के आइएगा, प्रूफ अगर देख के आएंगे तो जब मैं करूंगा तो और चीजें क्लियर होंगी, बार बार प्रैक्टिस करना, हायर मैथमेटिक्स में जितना सोच सोच के प्रैक्टिस करेंगे प्रूफ्स वगैरह पे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रूफ करेंगे थ्योरम टू का, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, और मैसेज जरूर पहुंचाते रहिए मेरे पास कि आप इन्वॉल्वमेंट आपका है। ठीक है, चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।